गाइस इस वीडियो को देखने से पहले तक आप लोग बॉडी शॉट मारते थे, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हर बार हेड शॉट मार पाओगे। तो इसी टाइप के सेंसिटिव सीरीज और ड्रिल्स बताने वाला इस वीडियो में, जिससे आपका क्लोज रेंज गेम प्ले बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा और हर बार आप लोग हेड शॉट मार पाओगे क्लोज रेंज में, ठीक है। और क्लोज रेंज के लिए हिप फायर के लिए बेस्ट सेंसिटिव सीरीज बताने वाला इस वीडियो में। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट आप लोग देख सकते हो मेरे जो गेम प्ले में हर बार मैं हेड शॉट मार पा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद हर बार आप लोग हेड शॉट मार पाओगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताना चाहूंगा वो चीज़ों को ध्यान से अच्छे से देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारा बात आता है हेडशॉट कैसे मारे। तो हेडशॉट कैसे मारे इसके लिए बताने वाला इस वीडियो में। तो हेडशॉट का मेन चीज़ क्या है, आप लोग क्लोज रेंज में ना यहाँ पे जो फाइव डॉट दिख रहा है ना आप लोगों का बीच में, इस फाइव डॉट की वजह से अगर किसी भी बंदे को हेड के ऊपर एम करके मारते हो उसको हम लोग हेडशॉट या फिर हिप फायर बोल सकते हैं। तो हिप फायर को करने के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग्स क्या होता है, तो बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग्स करने के लिए सेंसिटिव में जाना है। जाने के बाद आप लोग सेंसिटिविटी में नीचे मिल जाएगा आप लोगों को जायरो सेंसिटिविटी। तो जायरो सेंसिटिविटी में आने के बाद थर्ड पर्सन नो स्कोप आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। इसको मैं अभी आप लोगों को ना कम करके दिखाता हूँ क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। इसको तो अभी मैं देखो यहाँ पर कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको कम कर दिया। तो कम करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर राइट लेफ्ट मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपना क्रॉस एयर को, बट मेरा जो राइट लेफ्ट मूवमेंट बहुत ही स्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिर मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। सेंसी में आ जाता हूँ आने के बाद जायरोस्कोप का सेंसी में थर्ड पर्सन नो स्कोप को मैं 400 कर देता हूँ। तो 400 करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो मेरा क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं 400 कर दिया, अभी देख सकते हो मेरा जो मूवमेंट है बहुत फास्ट हो रहा है। मैं जो क्रॉस एयर को बहुत फास्ट मूव कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन को बहुत फास्ट मूव कर रहा हूँ। तो इसके बारे में जो समझ में आता है कि हमारा जो सेंसी अगर कम रहेगा तो मूवमेंट स्लो होगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो मूवमेंट फास्ट होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों देखो इस जायरो सेंसी को ना आप लोगों अपने हिसाब से थोड़ा सा 10-5% कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत करो, ठीक है ना। 380 से मत नीचे आप लोग मत रखो जायरो सेंसी को। और अभी आता है हमारा ADS जायरो सेंसिटिविटी। तो ADS जायरो सेंसी में आप लोग देखने को मिलता है 30% नो स्कोप, इसको भी मैं कम करके दिखाता हूँ क्या होता है। तो इसको मैं कम कर दिया। तो अभी देखो मैं गोली चला रहा हूँ मैं, बट मेरा जो क्रॉसर है वो राइट लेफ्ट नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो इसको सही करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपका भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, आपका मूवमेंट स्लो हो रहा है, आप लोग जो है ना राइट लेफ्ट सही से मूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपका अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग क्या करना है, आपको सेंसी में आ जाना है। आने के बाद ADS जायरो सेंसी में आकर 30% नो स्कोप को आप लोग 400 कर देना है। तो 400 करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा जो राइट लेफ्ट मूवमेंट ठीक ठाक हो रहा है, और मैं गोली चला रहा हूँ इसमें भी जो मेरा राइट लेफ्ट मूवमेंट हो रहा है वो भी सही हो रहा है, मतलब टारगेट बाई टारगेट गोली जाकर लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपका अभी ठीक हो चुका है तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ना प्रैक्टिस करना होगा और थोड़ा सा आपको इसको सेंसी को थोड़ा कम ज़्यादा करके देखना होगा। तो मेरे लिए जो परफेक्ट है ना वो 385, बट मैं इसको बोलूँगा कि आप लोग जो है 380 से नीचे मत रखो, नहीं तो आपका जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को 380 से ऊपर ही रखना है, मेरे लिए 385 परफेक्ट है। आप लोग देख सकते हो मैं पर राइट लेफ्ट मूवमेंट कर रहा हूँ और हर बार मेरे यहाँ पर टारगेट के ऊपर गोली चला रहा हूँ। तो आपको मैं अभी कहता हूँ क्लोज इन हिप फायर का बेस्ट ड्रिल्स, ठीक है। तो देखिए नंबर वन जो ड्रिल्स है पे आता है हमारा, हर एक टारगेट के ऊपर आप लोगों ना फायर करना है। क्राउच करके फायर करो, प्रोन करके फायर करो, जंप करके फायर करो। जब आप क्लोज रेंज में जैसे जैसे फाइट ले दो वैसे वैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करो इस टारगेट को अपना एनिमी समझ के, ठीक है। तो नंबर वन यहाँ पे ड्रिल्स हमारा यहाँ पे इधर पे आ गया। उसके बाद नंबर टू ड्रिल्स यहाँ पे आपको इधर पे आना है। आने के बाद आपको देखने यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चिपक के नहीं रहना, कभी भी किसी भी जगह पे आप लोग अगर पिक लेने जा रहे हो, ठीक है ना, मतलब पिक नहीं सॉरी अगर टीवी पे लेने जा रहे हो, ठीक है, उस टाइम अपना उसके उससे चिपक के नहीं रहना है, उसमें गोली नहीं चलाना है, आपको चलाना किधर है उसको बस कवर फायर के लिए यूज़ करना है। और यूज़ करते आप लोग को जो है जहाँ पे एनिमी रहेगा उधर पर गोली चलाना है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तीसरी टाइप से इसको प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल्स है कवर फायर में रहकर फायर करना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 3 नंबर ड्रिल्स। तो 3 नंबर ड्रिल्स में आप लोग क्या करता है कि आप लोग मूविंग जो टारगेट दिख रहा है उसमें आप लोगों को फायर करना है हिप फायर करके, ठीक है, जैसे मैं पे कर रहा हूँ। और उसको भी अलग अलग ड्रिल्स के साथ प्रैक्टिस करना है, बैठे बैठे क्राउच करके प्रोन करके सबसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जंप करके सब तरीके से प्रैक्टिस आप लोग करना है, ठीक है। तो हमारा नंबर 3 ड्रिल्स भी खत्म होता है। अभी नंबर 4 ड्रिल्स, तो बहुत ही बेसिक ड्रिल्स है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल ड्रिल्स है। आप लोग क्या करना है, इस टारगेट पर आ जाना है। आने के बाद आप लोगों ना हर एक टारगेट बाई टारगेट आप लोगों को फायर करना है, इससे आपका क्लोज रेंज में हिप फायर बहुत ही इंप्रूव आ जाएगा और आप लोग क्लोज रेंज में बहुत ही अच्छे से हिट शॉट मार पाओगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच। और इसी टाइप का इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ड्रिल्स सेंसिटिविटी सेटिंग्स के बारे में वीडियो देखना है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके, और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।